घटना जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव में जीतने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। वहीं चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, 22 मार्च के बाद जारी होगी मध्य प्रदेश लोकसभा की लिस्ट। प्रदेश चुनाव समिति के बैठक के बाद पैनल दिल्ली भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय की सीट को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि उनके घर के झगड़े पर मैं क्या बोल सकता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश बेहतर से जानती है और अभी दो ढाई महीने में ही सरकार के परफॉर्मेंस को भी देखा है और उसके कारण एक ललक है कि इस बार पूरी ताकत से भाजपा के साथ आएंगे। और दूसरे, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ट्वीट हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, वो सच भी जनता जान रही है कि कौन कहाँ किसके साथ है। ये श्रद्धा के विषय हैं, आस्था के विषय हैं और मंदिर जाना हो या और किसी उपासना स्थल जाना हो तो नियमित जाने वाले जाते हैं, लेकिन कई लोग इसमें भी मौसमी होते हैं। जब चुनाव आते हैं भगवान याद आते हैं, मंदिर मस्जिद याद आती है। अब भगवान की याद आती है या वोटर को लुभाने का प्रयास करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आपकी आस्था है तो आस्था केवल एक मौसम में नहीं हो सकती, वो परमानेंट रहती। रोज जाने वाले जाते हैं लेकिन केवल चुनाव के समय जाते हैं, तो आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था और भक्ति के कारण नहीं जाते, आप केवल वोटरों को लुभाने जाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति। राहुल गांधी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।